श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में आप सभी को पता है इस वर्ष 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष पर्व है और यह पर्व सोमवार के दिन आने के कारण सोमवार की अष्टमी का भी योग बन रहा है। ऐसे में सोमवार की अष्टमी और जन्माष्टमी का दुर्लभ योग का लाभ प्राप्त करने के लिए आप सोमवार अष्टमी के सभी उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए हैं उन्हें आप 26 अगस्त सोमवार अष्टमी जन्माष्टमी के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा सोमवार की अष्टमी 26 अगस्त जन्माष्टमी का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियोज़ में टच करके आप वह वीडियो देख सकते हैं या फिर मैंने उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दी है। पार्ट वन इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य देखिएगा। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी 26 अगस्त के दिन किए जाने वाले पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में पैसा रुक नहीं रहा है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, जीवन में परेशानियों ने घेरे रखा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आपको पंच पुष्प शिव महापुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वाची थी उस कथा का एक विशेष उपाय करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको धतूरे के पुष्प या फिर धतूरा मिल जाए जिसके नीचे की डंडी लाल रंग की होती है, ऐसा धतूरा मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो धतूरे के पुष्प को ले लेना है और धतूरे के पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर धतूरा मिल रहा है तो आप धतूरा अर्पित कर सकते हैं, अगर धतूरे का पुष्प मिल रहा है तो धतूरे के पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने से या फिर धतूरे के पुष्प को अर्पित करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथाओं में जानकारी दी थी कि एक नारी के जीवन में जब विषम परिस्थिति आती है उसके आंसू सूखते नहीं हैं, कहीं पति मदिरा में पड़ा हुआ है, बहुत दुखी होकर वह अपने घर पर रहती है, कहीं पर पति परिवार वाले के ताने देते हैं और वह सोच के बैठी है कि यह जिंदगी ना ही चाहिए, अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक चावल का दाना लेना है, आपको लाल चंदन का उपयोग करते हुए इस एक चावल के दाने को लाल कर लेना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। एक बेलपत्र लेना है, एक लाल पुष्प लेना है, पुष्प मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर पुष्प नहीं मिल रहा है तो आप एक लाल पुष्प की पंखुड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब गुलाब की एक पंखुड़ी का भी आप उपयोग इस उपाय के अंतर्गत कर सकते हैं। एक बेलपत्र लें, उसमें एक चावल का दाना रखें, एक लाल पुष्प की पंखुड़ी रखें या पुष्प रखें और माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति के नाम से, फिर से सुन लीजिए, माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति के नाम से, इन तीनों का नाम का स्मरण करते हुए आपको सभी चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, धर्मोत्तर पुराण कह रही है और नव दुर्गा उपनिषद कह रही है मालिनी उमा, यह नाम साधारण नहीं है, उनका स्मरण मात्र करने का बहुत अधिक महत्व होता है। और जो नारी के जीवन में दुख है, कष्ट है, उसे एक बार जीवन में इस विशेष उपाय को अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। घर में अगर कोई बहुत बीमार पड़ा हुआ है, उसके शरीर में कोई कष्ट हमेशा बना ही रहता है, बार बार बीमार होता है, घुटने का दर्द हो या फिर कमर का दर्द हो या पीठ का दर्द हो या फिर कंधे का दर्द हो या फिर सर दुखता हो या फिर आँखों में जलन होती हो, कोई भी तकलीफ शरीर में हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार अष्टमी का दिन जब आए तो 14 चने की दाल उसके ऊपर से 14 बार उतारकर, अगर उतार वह व्यक्ति स्वयं ले तो ठीक है, अन्यथा उसके घर का कोई भी सदस्य उसके ऊपर से 14 चने की दाल को 14 बार उसके सर के ऊपर से घुमाते हुए घड़ी की विपरीत दिशा में इस प्रकार से घुमाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र बनता है, तो वह उसका स्मरण करते हुए अगर वह इस चने की दाल को घुमाने के बाद शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन अर्पित कर देता है, मात्र इतना कर देने से उस व्यक्ति के शरीर के सभी कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं और उसके दवाइयाँ कार्य करने लगती हैं और वह शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाता है। इस उपाय को आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए उपायों से जुड़े कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा।
लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि आपके लाइकों को देखते हुए इसका पार्ट 3 भी मैं अगले दिन अवश्य लेकर आऊँ। कम से कम 500 लाइक आ जाएंगे तो अगला पार्ट भी आपको कल देखने को मिलेगा। वीडियो से जुड़े हुए प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं और पार्ट 1 की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप पार्ट 1 अब देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।